बच्चों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एके श्री एजुकेशन पर। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में द फाउंटेन के फोर स्टैंजा को कवर किया और आज मैं आप लोगों के लिए कराया हूँ अगले चार स्टैंजा को। और वो अगले चार स्टैंजा आपके हैं क्या, जे आपके बिल्कुल सामने हैं। तो बच्चों जेम्स रसेल लॉवेल फवारे के गुणों को बता रहे हैं, यानी उनके गुणों को द फाउंटेन में एक्सप्रेस किया है। आइए अब हम लोग पांचवें स्टैंजा को शुरू करते हैं और ये देखते हैं कि इस पांचवें स्टैंजा में यानी फिफ्थ वाले में फवारे के कौन से गुण को जेम्स रसेल लॉवेल बता रहे हैं या फिर इसमें क्या कहा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टैंजा को। स्टैंजा आपका इस प्रकार है, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स। तो क्या लिखा गया है, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। तो फवारे के गुणों का वर्णन करते हुए यानी फवारे के गुणों को एक्सप्रेस करते हुए पोएट यहाँ पर कह रहे हैं, यानी कवि कहते हैं, क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, कह रहे हैं कि फवारा हर प्रकार के मौसम में। वेदर्स का मतलब क्या होता है, मौसम। तो कह रहे हैं कि फवारा हर प्रकार के मौसम में यानी ऑल वेदर्स हर प्रकार के मौसम में कैसा होता है, ग्लैड। और ग्लैड का क्या मतलब होता है बच्चों, प्रसन्न। तो बता रहे हैं कि फवारा हर प्रकार के मौसम में ग्लैड होता है, ग्लैड का मतलब प्रसन्न रहता है। अब हर प्रकार के मौसम आपके कौन कौन से होते हैं, जैसे आप बात करते हो गर्मी की, जाड़ा की, वर्षा की, तो ये आपके मौसम हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हर प्रकार के मौसम में अपने आप को खुश महसूस नहीं करते हैं। अधिकतम ठंडी पड़ती है तो विचलित हो जाते हैं, ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो भी विचलित हो गए, और ज़्यादा बरसात होने लगी तो भी विचलित हो गए। तो हम में फव्वारे का क्वालिटी नहीं है, लेकिन कभी चाह रहे हैं कि हम में यानी हम लोग भी फव्वारे के जैसे ही बिहेव करें, यानी फव्वारे के जैसे हमें भी क्वालिटी होनी चाहिए। चाहे जैसा मौसम हो हर प्रकार के मौसम में हमें भी प्रसन्न रहना चाहिए। इसलिए कवि ने यहाँ पर लिखा कि ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, फव्वारा हर प्रकार के मौसम में खुश रहता है। और क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि स्टिल सीमिंग बेस्ट। अगली लाइन में ये बोला जा रहा है कि स्टिल सीमिंग बेस्ट, यानी हर प्रकार के मौसम में, हर प्रकार के मौसम में फव्वारा खुश रहता है। फिर नीचे लिखा गया कि स्टिल सीमिंग बेस्ट, यह हमेशा बेस्ट दिखता है। बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा दिखता है, यानी कहने का मतलब कि हर प्रकार के मौसम यह ग्लैड रहता है और ग्लैड के साथ ही साथ हमेशा यानी सदैव यह बेस्ट दिखाई पड़ता है। तो बच्चों होता क्या है कि जैसे ही परेशानियां आती है तो हम लोग विचलित हो जाते हैं और हम बेस्ट न दिखकर दुखी दिखते हैं, यानी हैप्पी नहीं दिखते। लेकिन फव्वारे को यहाँ पर बताया जा रहा है कि फव्वारा स्टिल स्विमिंग बेस्ट, यह हमेशा अच्छा दिखाई पड़ता है, यानी बेस्ट दिखाई पड़ता है। और फिर देखिए क्या कहा जा रहा है कि अपवर्ड और डाउनवर्ड। फव्वारा ऊपर की ओर गति करता है, आप यहाँ पर देख लो जैसे क्या दिखेगा कि ये आपका मान लेते हैं कोई सरोवर है, इसमें आपका फव्वारा लगा हुआ है, तो ये देखिए ऊपर की ओर जाएगा, फिर ऊपर की ओर ऐसे जाएगा, फिर ये गति इसकी इस प्रकार होगी। तो बच्चों क्या होगा कि ऐसे ही ये गति करेगा, जलधाराएं आपका जलधाराएं ऊपर जाएगी फिर ये नीचे गिरेगी। तो यही यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि फव्वारा अपवर्ड और डाउनवर्ड, ये अपवर्ड गति करता है यानी ऊपर की ओर जाता है, ऊपर की ओर गति करता है, अथवा डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब फव्वारा नीचे की ओर गति करता है। अब डाउनवर्ड कैसे होगा, अपवर्ड तो आप देख रहे हो फव्वारा ऊपर जा रहा है, डाउनवर्ड का मतलब जैसे ही ऊपर चला जाएगा तो फिर ये नीचे की तरफ इसकी जलधाराएं गिरेंगी। तो इसलिए यहाँ पर कवि ने कह दिया कि यह ऊपर की ओर गति करता है और नीचे की ओर गति या नीचे की ओर गति करता है, मोशन दाई रेस्ट, और गति ही करना इसका क्या है, कह रहे कि गति ही करना इसका रेस्ट है, रेस्ट बोले तो आराम है। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से बातें कही जा रही है, कहा यह जा रहा है कि फव्वारा
या तो ऊपर की ओर गति करता है या तो फिर नीचे की ओर। जब ऊपर की ओर जाएगा तो ऊपर से फिर क्या आएगा, नीचे आएगा। इसलिए यहां पर आर का प्रयोग करके कह रहे हैं कि फव्वारा ऊपर की ओर गति करता है या फिर नीचे की ओर गति करता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पोएट ने कहा कि मोशन डायरेस्ट यानी गति ही करना फव्वारे का क्या है, गति ही करना फव्वारे का आराम है, गति ही करना इसका रेस्ट है। तो पोएट ने फव्वारे को यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत करते हुए इस प्रकार कह रहे हैं कि फव्वारा हर प्रकार के वर्ष में, हर प्रकार के मौसम में ग्लैड होता है। ग्लैड का मतलब प्रसन्न रहता है। और फिर कह रहे हैं कि यह सदैव यानी हमेशा बेस्ट दिखाई पड़ता है। यह ऊपर की ओर गति करता है, अपवर्ड गति करता है या फिर नीचे की ओर गति करता है, और गति ही करना फव्वारे का आराम होता है। तो इस प्रकार से इसमें कवि ने फव्वारे के गुणों को एक्सप्रेस किया। अब चलिए हम लोग अगले स्टेंजा की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों अगला स्टेंजा आपका है फुल ऑफ नेचर। ध्यान से सुनो बच्चों, क्या है स्टेंजा? फुल ऑफ नेचर। नथिंग कैन टेम चेंज्ड एवरी मोमेंट इवर दी सेम। देखिए फव्वारे के बारे में यहां पर एक बार फिर से कवि एक्सप्रेस करें उसके गुणों को और कह क्या रहे हैं, कह रहे हैं कि फुल ऑफ नेचर यानी फव्वारे की प्रगति भरी है। इसकी प्रगति क्या है? आगे बढ़ना। तो बता रहे हैं कि फव्वारा अपने प्रगति से भरा हुआ है, अर्थात यह अपने प्रगति से संतुष्ट है। इसकी प्रगति कैसी है? आगे बढ़ना यानी हेवन वर्ल्ड को प्राप्त करना, आकाश की ऊंचाई को छू लेना, यही इसकी क्या है, यही इसकी प्रगति है। या ऊपर की ओर बढ़ेगा, उसको छूना चाहेगा, वह उसका लक्ष्य हो जाएगा। प्रगति अगर से देखा जाए तो आगे बढ़ना। तो कह रहे कि इसकी यह अपने प्रगति से संतुष्ट होता है यानी इसकी प्रगति भरी, अपने प्रगति से फुल होता है, अपने प्रगति से यह संतुष्ट रहता है। और फिर कह रहे नथिंग कैन टेम, अब कोई भी इसकी प्रकृति को बिगाड़ नहीं सकता है, यानी इसकी प्रकृति को कोई नष्ट नहीं कर सकता है। जैसे क्या होता है कि हमारा जो इंसान की यानी मनुष्य की जो प्रकृति होती है उसको बिगाड़ने वाले बहुत होते हैं। जैसे ही व्यक्ति को क्रोध आता है तो उसकी प्रकृति आप देखेंगे तो चेंज होगी, या फिर इस तरह से आप देखेंगे तो प्रकृति जो स्वभाव है वह बदलता रहता है। लेकिन फव्वारे की बात करें तो फव्वारा हर प्रकार के मौसम में चाहे जो भी हो एक जैसा रहता है, चाहे जाड़ा वर्षा गर्मी चाहे जो भी हो, कोई भी इसके प्रकृति को नहीं बिगाड़ सकता है। वर्षा होती रहेगी तो भी फव्वारा अपना काम करता रहेगा, ठंडी पड़ेगी तो भी फव्वारा अपना काम करता रहेगा, चाहे जैसा भी मौसम हो यह हर प्रकार के मौसम में अपना कार्य करता रहेगा। इसलिए कभी यहाँ पर लिखा कि नथिंग कैन टेम, कोई भी इसकी प्रकृति को बिगाड़ नहीं सकता है। फिर कह रहे कि चेंज एवरी मोमेंट, फव्वारे के बारे में कह रहे हैं कि चेंज्ड एवरी मोमेंट इवन द सेम। बता रहे हैं कि फव्वारा हर वक्त यानी हर समय क्या होता है, चेंज होता रहता है। चेंज का मतलब बदलता रहता है। तो बच्चों यहाँ पर कह रहे हैं कि फव्वारा हर समय हर वक्त क्या होता रहता है, बदलता रहता है। इवन द सेम, बदलते हुए पर भी यानी हर वक्त यह चेंज होता है, लेकिन फिर भी यह कैसा होता है, सेम होता है। सेम मतलब एक जैसा दिखाई पड़ता है, एक जैसा रहता है। अब कैसे हम लोग मान लें कि फव्वारा हमेशा बदलता रहता है? तो भाई फव्वारा है, इसकी जलधारा है, आपकी यहाँ से निकलेगी फिर ऊपर दिखी पड़ेगी फिर नीचे गिरेगी, तो इस तरह से लगातार इसमें जो है क्या परिवर्तन होता रहता है। इसलिए कवि ने कहा कि यह हर वक्त बदलता है लेकिन फिर भी एक जैसा रहता है। एक जैसा क्यों कहा जा रहा है बच्चों? एक जैसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह जो है हर वक्त कभी जलधारा है इसकी ऊपर या फिर ऊपर से नीचे फिर इधर उधर बदलती रहेगी, लेकिन हम देखेंगे तो हमको ये नहीं पता चलेगा कि यह जो है बदल रहा है, हमको दूर से एक जैसा ही फव्वारा दिखाई पड़ेगा। इसलिए कभी यहाँ पर कह रहे हैं कि चेंज एवरी मोमेंट यानी फव्वारा हर वक्त बदलता है लेकिन फिर भी एक जैसा रहता है। तो यहाँ पर एक बिग मैसेज यानी बहुत बड़ा संदेश कवि दे रहे हैं। और बड़ा संदेश क्या है
क्या है बच्चा, बड़ा संदेश आपका यह है कि हमें भी हर वक्त बदलना चाहिए। बदलने का मतलब यह है कि आज जो हमारी स्थिति है कल हमारी स्थिति इससे बेटर होनी चाहिए, अर्थात हमारे भी जीवन में विकास ने हमें भी डेवलप करना चाहिए, हम प्रतिदिन बदलें। लेकिन हमें उस विकास के साथ, यानी जब हम प्रगति करें, तो उस वक्त जो हमारे अंदर मूल चीज़ें हैं, जो हमारा व्यवहार है, जो हमारा एक नैतिकता है, वो बदलने न पाए, वो उसमें हमें एक जैसा ही रहना चाहिए। इसकी तरह फव्वारे की तरह। तो बच्चों कहने का मतलब कि आप बदलिए, लेकिन फिर भी एक जैसा ही लोगों के साथ बिहेव करिए। ये नहीं कि आज आप अमीर हो गए तो आप दूसरों के साथ एक अलग प्रकार से प्रस्तुत आए, और कल को आप गरीब थे तो अलग तरीके से प्रस्तुत आते थे। तो ऐसा न होने पाए, इसलिए कभी इन्होंने यहाँ फव्वारे के उदाहरण को प्रस्तुत करते हुए इस प्रकार बातें जो है कही जा रही है कि चेंज एवरी मोमेंट, केवल जैसे फव्वारा हर वक्त बदलता है, लेकिन फिर भी एक जैसा दिखाई पड़ता है, हमें भी ऐसा होना चाहिए। फिर से शॉर्टली हम देख लेते हैं, फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम, चेंज एवरी मोमेंट, इवन द सेम। फव्वारा अपने प्रकृति से संतुष्ट है, इसकी प्रकृति आगे बढ़ने की है। नथिंग कैन टेम, कोई भी इसकी प्रकृति को नष्ट नहीं कर सकता, बिगाड़ नहीं सकता है। और फिर कह रहे हैं चेंज एवरी मोमेंट इवन द सेम, फव्वारा हर वक्त बदलता रहता है, लेकिन फिर भी एक जैसा दिखाई पड़ता है। तो आइए बच्चों हम लोग अगला स्टैंजा देखते हैं। अगला स्टैंजा भी बहुत ही अच्छा है और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। और बच्चों ये स्टैंजा है क्या, ये स्टैंजा आपका ये है कि सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस आर सनशाइन दाई एलिमेंट। तो फव्वारे के बारे में कवि कह रहे हैं कि सीजलेस एस्पायरिंग, कहने का मतलब बच्चों ये है कि फव्वारा लगाता, सीजलेस का क्या मतलब होता है, लगातार। तो कहने की फव्वारा लगातार एस्पायरिंग करता है, एस्पायरिंग करने का मतलब बढ़ता चला जाता है, लगातार ऊपर उठता चला जाता है, एस्पायरिंग करता है, लगातार ऊंचा उठता है। और फिर कहने की लगातार एस्पायरिंग करता है, ऊपर उठता रहता है। और फिर कहने की सीजलेस कॉन्टेंट, और हमेशा कैसा, हमेशा ये कॉन्टेंट रहता है, एक जैसा रहता है। तो बच्चों यहाँ पर कह रहे हैं क्या कि फव्वारा हर वक्त जो है ऊपर की ओर उठता है, यानी ऊपर की ओर गति करता है। और फिर कहने सीजलेस कंटेंट, और हर वक्त यह संतुष्ट रहता है, यानी स्थिर बना रहता है। और फिर कह रहे हैं कि डार्कनेस आर सनशाइन, कह रहे हैं कि चाहे डार्कनेस हो यानी अंधेरा हो, चाहे सनशाइन हो, सनशाइन का मतलब बच्चों होता है सूर्य का धूप। तो कह रहे हैं चाहे सूर्य का धूप हो, चाहे जो है अंधेरा हो, कह रहे हैं कि अंधेरा और सूर्य का धूप ही दाई एलिमेंट, इसका मौलिक तत्व है। तो बच्चों यहाँ पर फव्वारे के बारे में कभी बता रहे हैं कि यह लगातार ऊपर की ओर गति करता है, यानी यह लगातार जो है क्या करता है, लगातार यह जो है ऊपर की ओर उठता चला जाता है, और यह हमेशा स्थिर बना भी रहता है। आप देखेंगे फव्वारा हमेशा ऊपर की गति करेगा, ऊपर की ओर इसकी जलधाराएं जाएंगी, लेकिन आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, हाँ फव्वारा ऊपर की ओर गति कर रहा है, लेकिन यह आपको स्थिर ही नजर आएगा, एक जैसा ही दिखेगा। तो इसलिए यहाँ लिखा गया कि यह लगातार ऊपर की ओर उठता चला जाता है, लेकिन फिर भी यह स्थिर बना रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधेरा हो चाहे सूर्य का प्रकाश हो, अंधेरा और सूर्य का प्रकाश ही इसका एलिमेंट है, इसका मौलिक तत्व है। अब बच्चों हम लोग लास्ट स्टैंजा को पढ़ेंगे, और स्टैंजा को बिल्कुल आप बहुत ही अच्छे से पढ़िए, क्योंकि हर वर्ष यानी प्रत्येक बार यह स्टैंजा परीक्षा में आता है। तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग इसको स्टडी करते हैं और देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। तो देखिए अंतिम में कवि क्या इच्छा प्रकट कर रहे हैं, यानी कवि क्या कह रहे हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो अंतिम में कहा गया है कि ग्लोरियस फाउंटेन, क्या बोला गया बच्चों, ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक दी।
तो कह रहे हैं क्या, कभी अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहते हैं, और क्या कहते हैं बच्चों, कहते हैं कि ऐ शानदार फव्वारा, ग्लोरियस फाउंटेन। क्या बोले हैं, कह रहे हैं कि ग्लोरियस फाउंटेन, ऐ शानदार फव्वारे, लेट माय हार्ट बी, कह रहे हैं कि ऐ शानदार फव्वारे तुम मेरे हृदय को बना दो, तुम मेरे हृदय को बना दो। अब भाई कैसा बना दो, यानी तुम मुझे बना दो, मेरे हृदय को बनाने का मतलब क्या, मेरे हृदय को बनाने का मतलब है बच्चों कि तुम मुझे बना दो। अब कैसा बना, नीचे पढ़ो, नीचे लिखा गया है कि फ्रेश, फ्रेश मतलब क्या होता है, तरोताजा। तो कह रहे कि ऐ शानदार फव्वारे तुम हमें बना दो, क्या बना दो, कह रहे कि फ्रेश बना दो, अब फ्रेश मतलब तरोताजा बना दो। फिर कह रहे कि चेंजफुल बना दो, चेंजफुल मतलब क्या, चेंजफुल मतलब परिवर्तनशील बना दो। तो कह रहे हैं कि परिवर्तनशील बना दो, और आगे पढ़िए, और कह रहे हैं कि कांस्टेंट, और दृढ़ बना दो, स्थिर बना दो, कह रहे हैं कि दृढ़ बना दो, कांस्टेंट बना दो मुझे। और फिर कह रहे हैं कि अपवर्ड लाइन दी, और कह रहे हैं कि मुझे अपनी तरह बना दो, अपने हृदय की जैसे बना दो, जो श्रेष्ठतम गुणों को पाने की आकांक्षा रखता है, यानी अपवर्ड लाइन दी तो अपनी तरह बना दो, जो श्रेष्ठ गुणों को पाने की आकांक्षा रखता हो तुम उसी तरह मेरे हृदय को बना दो। तो चलिए इसको हम शॉर्टली देखते हैं। तो बच्चों यहां पर कह रहे हैं क्या, कि यहां पर कवि कह रहे हैं कि ऐ शानदार फव्वारे, क्या कह रहे हैं बच्चों कि ग्लोरियस फाउंटेन, ऐ शानदार फव्वारे तुम मेरे हृदय को बना दो, तरोताजा, चेंजफुल, परिवर्तनशील, और कॉन्स्टेंट मतलब दृढ़ बना दो, अपवर्ड लाइन दी, अपनी तरह जो श्रेष्ठतम गुणों की पाने की आकांक्षा रखता हो तुम उस तरह हृदय को बना दो। तो बच्चों इस तरीके से जेम्स रसेल लॉवेल के द्वारा जो लिखा गया आपका पोएम है, इसको हम लोगों ने स्टडी किया। अगर कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा, और आप चैनल पर डेली बने रहिए, आपको इंग्लिश का जो क्लास टेंथ की इंग्लिश है ये पूरी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, और इसकी जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज भी मैं कराऊंगा, यानी बहुत ही अच्छे तरीके से इजी लैंग्वेज में, और पूरी गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि आप जो है पर डे क्लास लीजिए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा यानी आप 80 का औसत मानकर चल रहे होंगे तो निश्चित रूप से उससे कहीं ज़्यादा आप 90+ नंबर लाएंगे, ये मैं आपको भरोसा दिला।